अब देखो, हमने अभी चार सिलेक्टर पढ़े ना, उसमें आईडी और क्लास का काम सेम लगा मैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस है इसमें। मतलब आईडी सिलेक्टर में और क्लास सिलेक्टर में डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आता हूं यहाँ पे ड्रीमवीवर में, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो, या हम H1 के दो टैग्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं, दिस इज माई न्यू क्लास, ठीक है, और इसी को कॉपी करके यहां ये नीचे दूसरी हेडिंग, सही है। अच्छा, अब आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे मैं सबसे पहले देता हूं आईडी, ठीक है, और इसके अंदर मैं दो आईडी को कॉल करवाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, स्टाइल का टैग ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक आईडी बना रहा हूँ जिसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मी, सही है, और यहाँ पे मैं इसका नाम देता, इसको कलर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड, सही है। और फिर एक और मैं इसी तरह इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और आईडी बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ मी टू, सही है। और इसके अंदर कलर के बजाय मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 70 PX, सही है। अब देखो, अब मैं इसके ऊपर ये जो H1 का टैग है इसके ऊपर दो आईडीज अप्लाई करता हूँ। देखो एक आईडी कौन सी है, मी, और एक है मी टू। मतलब मैं एक आईडी के टैग के अंदर यहाँ पे मी इस तरह, फिर स्पेस, फिर मी टू, मतलब एक ही टैग के ऊपर मैं कितनी आईडीज अप्लाई कर रहा हूँ, दो आईडीज अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको आके रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊँ तो देखो, हमने पहले पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया था दो आईडीज, कुछ भी नहीं हुआ, सही है। लेकिन अगर मैं यही काम क्लास के थ्रू करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं दो आईडीज को कॉपी करता हूँ, सही है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हैश से पहले क्या लगा देता हूँ, डॉट, ठीक है, क्लास। और ये जो मेरे पास दूसरा टैग है H1 का, इसके अंदर मैं क्लास देता हूँ, पहली क्लास देता हूँ मी, फिर स्पेस, और दूसरी क्लास दे देता हूँ मी टू, सही है। और यहाँ पे आके अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो क्लास के अंदर हम एक से ज्यादा, मतलब एक टैग के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस हम अप्लाई कर सकते हैं, आईडी के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते, ये इसका मेन डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आईडी के अंदर दो आईडीज बनाई और दोनों आईडी पास की, उसने क्या किया, वर्क नहीं किया, ठीक है। आईडी एट अ टाइम सिर्फ एक ही आईडी लेगी, एक ही आईडी के ऊपर काम करेगी। अगर मैं यहां से मी टू हटा दूं, सही है, और ऊपर आके देखो मी के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, उसका कलर रेड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके अगर अब सेव करूं और रिफ्रेश करूं तो देखो कलर रेड हो गया। मतलब मैं आईडी के थ्रू एट अ टाइम सिर्फ एक ही आईडी दे सकता हूं एक टैग के अंदर बस, सही है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखो, जहां पे मैंने क्लास अप्लाई की है, देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक क्लास ये है जिसका नाम है मी, और दूसरी क्लास क्या है, मी टू, ठीक है। एक क्लास के अंदर मैंने क्या काम किया हुआ है, कलर रेड किया हुआ है, और मी टू की क्लास में मैंने क्या किया हुआ है, फॉन्ट साइज बड़ा किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो दोनों काम हो रहे हैं, देख रहे हो, साइज भी बड़ा हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। ये है आपके पास मेन डिफरेंस आईडी और क्लास का, क्योंकि देखो चार सेलेक्टर्स है ना हमारे पास, आईडी और क्लास आप लोगों को सेम लग रहे थे, ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं है। जाहिर बात है अगर सेम है तो आईडी भी हम यूज करते, क्लास बनाने की क्या जरूरत थी, सही है। तो ये आपके पास मेन डिफरेंस है आईडी और क्लास का, सही है।